जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल डुकवा सेवा एंड पर्सनल ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो आज का मैं जो ब्लॉग लेकर आई हूँ वो गौशाला नाथ द्वारा का है। काफ़ी वीडियोस है जो कि आपको निकिताज लाइफस्टाइल पे मिल जाएंगे। आगे के दो तीन वीडियो जो कुछ भी है बट इसके बाद आपको सारे ही मिलेंगे यहाँ पर भी। तो ये गौशाला है नाथ द्वारा के बहुत ही नज़दीक है, मंदिर के जो नज़दीक है श्रीनाथ जी भगवान के। तो यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने। तो करीब शाम के 5:30-6 बज गए थे, थोड़ा लेट भी हो गया था। बट ये जिस दिन हम पहुँचे थे उसी दिन का व्लॉग है। तो देखिए ये पूरा ही जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर मयूर और भार्गव दोनों चलते आ रहे हैं, मेरे देवर भी और जानवी के पापा दोनों। तो यहाँ ऊपर सेंटर में एक है ना बनाया हुआ है ऊंचा पे, जिस पे हम बैठकर सारे ही गौ माता को देख सकते हैं। गौ माता बच्चे जो कुछ भी आते हैं उनको हमें देखना होता है बैठ के, मतलब इसलिए कि वो इतने सारे अलग अलग आते हैं और इतने व्यवस्थित आते हैं ना कि सारे खुद से आके चारा पानी खा के खुद से चले जाते हैं उनकी जगह जगह पर। और ये सब आप से छोटे छोटे जो देख रहे हैं ना उसमें अलग अलग नंदी जी है और सबके नाम है जो मैं आपको आगे जूम करके बताऊंगी। और ये पूरा ही सबसे मेन बात है, ये पूरा ही जो आप एरिया देख रहे हैं ना पूरा ही छान यानी वो गोबर बोलिए या गौ माता का जो होता है उससे बना हुआ है, जिसे हम लोग तो शेन बोलते हैं या छान बोलते हैं या गोबर, उससे बना हुआ है। और बहुत ही बढ़िया, आपको आप यकीन नहीं मानेंगे, बाहर गांव है ना गाय के साथ 1 घंटा हक करके बैठने के लिए या ऐसे गोबर का बनाया हुआ जो घर होता है उसमें बैठने के लिए पे किया जाता है। लोग उसमें पे करके पैसे देकर फिर बैठते हैं। और हमें देखिए हमारे भारत में जन्मभूमि इतनी लकी है, हम इतने लकी हैं कि हमें यूं ही गौ माता मिल जाते हैं। और वैसे भी आप सभी जानते हैं इसमें 33 कोटि भगवान का वास है। तो उसी तरह तो देखिए यहाँ पर सारे ही गौ माता के बच्चे जो होते हैं बछड़े वो सारे ही चारा ले खाने के लिए आए हैं। और कैसे मतलब गेट खुलता है ना तो वो अपने आप आते खाते हैं और अपने आप ही चले जाते हैं उनकी जगह पर। और ये सामने जो है ना, थोड़ा मैं जूम करके बताती हूँ, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट है ना नाम लिखे हुए हैं, धोरिया, केसर और तीसरा वन मयूर था। तो मैं उनको बोल रही थी देखिए आपका भी नाम यहाँ पर लिखा है। तो बहुत अच्छा लगता है कुछ इस तरह से दर्शन वगैरह करना। और लकी खुद को लकी समझते हैं कि हम इस तरह से आते हैं यहाँ पर दर्शन करने। और ये जो है ना गौ माता, ये मंदिर की गौ माता है। तो सब लोग दर्शन कर रहे थे और काफ़ी टाइम तक ये खड़ी थी, तो लोग दर्शन करके फिर इनके पैरों के नीचे से जा रहे थे जिसे ये अंकल गए। बस इसी तरह से जानवी फर्स्ट टाइम नहीं गई, बट निराली, भूमि और मेरी फ्रेंड मतलब हमारे साथ ग्रुप में हम लोग सब जो साथ में गए थे, बंसरी वगैरह सब ने दर्शन किए। मेरी चाची जी ने, चाचा जी ने, मयूर ने, भार्गव ने और फाइनली मुझे तो लकीली 2 बार चांस मिला। तो इस तरह से मैंने भी 2 बार ही दर्शन किए हैं। आगे का शूट नहीं कर पाई थी बट सेकेंड टाइम आप सभी से बता रही हूँ क्योंकि जानवी डर रही थी, तो पहले मैंने जानवी को भेजा और फिर खुद से भी गई। तो इस तरह से मुझे 2-2 बार ही भगवान के दर्शन मिल गए। तो आप सभी भी अगर इस तरह से जाते हैं तो ज़रूर दर्शन करिए। और अगर गौ माता के इस तरह से दर्शन मिलते हैं तो वो करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। तो बस ऐसी ही है आज की यह वीडियो, मिलते हैं विद अ न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, चैनल पर पहली बार आते हैं ना तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय श्री कृष्ण, राधे राधे।